दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी A03S मोबाइल है और आप उसमें स्क्रीनशॉट को नहीं ले पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप तीन तरीके से स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तीनों तरीके बहुत ही सिंपल सिंपल से हैं, तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो यहाँ पर तरीका मिलता है आपको स्क्रीनशॉट लेने का, वो है पावर बटन और वॉल्यूम की डाउन बटन। इन दोनों बटन को जैसे आप इनेबल करोगे, यानी कि दोनों को एक साथ प्रेस करोगे, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, दोनों को एक साथ प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट ले ली गई है। और इसी तरीके से आप भी अपने प्रेस करोगे वॉल्यूम बटन की जो डाउन बटन होती है, और पावर बटन को एक साथ प्रेस करोगे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ली जाएगी। अब जो दूसरा तरीका है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हो एक साइड बार दिख रहा है मेरे में, तो साइड बार को जैसे मैं स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टेक स्क्रीनशॉट, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ली जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये आपके मोबाइल में इनेबल नहीं होगा। इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर डिस्प्ले में, और डिस्प्ले पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, देखिए यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर ही एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा एड्स पैनल का, तो आपको एड्स पैनल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हो पैनल्स लिखा हुआ है, तो इस पर चले जाना है आपको। इस पर जाने के बाद ये आपका सेलेक्ट रहेगा, दो एक ही सेलेक्ट रहेगा, तो आपको यहाँ पर दोनों को स्मार्ट सेलेक्ट और टास्क पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है बैक। अब देखोगे तो आपका ये जो स्मार्ट साइड बार है ये आ चुका है। यहाँ से आप स्लाइड करोगे तो तीनों आपके जो टास्क दिखेंगे यहाँ पर, इस तरीके से आप जो है स्क्रीनशॉट को यहाँ पर टेक स्क्रीनशॉट पर क्लिक करके स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पर कैप्चर हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तो तीसरा तरीका यहाँ पर देख पा रहे हो एक और मेरे पास असिस्टेंट मेनू है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट, देखिए लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करता ही यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ली जाती है। तो इसको इनेबल करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली फिर से अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए एक्सेसिबिलिटी का, तो आपको एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एंड डेक्सटरिटी लिखा हुआ है, तो आपको इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए असिस्टेंट मेनू लिखा हुआ है, तो ये आपका डिसेबल रहेगा। जैसे डिसेबल कर दोगे तो वो मेनू जो है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसको डिसेबल करना है, यानी कि इनेबल करना है। उसके बाद देखिए ये इस तरीके से आ चुका है, इसी पर आपको टैप कर देना है फिर से, और यहाँ से आप इसको अगर इनेबल नहीं करते हो तो आपका ये मेनू जो है इस तरीके से दिखाई देगा, हर जगह दिखाई देगा। लेकिन आप इस वाले बटन को अगर शो एड्स आइकन, इसको इनेबल कर दोगे तो आपका जो मेनू है ये साइड में हाइड हुआ हो जाया करेगा। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो ये फिर से ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर तीन तरीके से स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। दोस्तों, इनमें से कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे भी आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।